जायज तो यह भी नहीं है कि आप अपने मोबाइलों में मौलाना जर्जीत साहब की सेल्फी ले। चलते वक्त एक साहब हमारी फोटो ले रहे हैं, तकरीर के बाद अपने मोबाइलों में ले रहे हैं। इस्लाम इतनी इजाजत नहीं देता है। तकरीर हो रही है, चलो बन गई, रिकॉर्ड हो गई, यूट्यूब पर डल गई, पूरी दुनिया ने सुन ली, चलो एक जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन आप मोबाइलों में सेल्फी लें, अपने साथ रखें, ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना शद्दन्ना सियाज़ाबन यौमल कयामा अल मुसब्बिरून, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। किसको? कयामत के दिन सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जो तस्वीरें खींचते होंगे, जो तस्वीरें बनाते होंगे। पासपोर्ट में फोटो खींचना जरूरी है, उस वक्त ले लो, आधार कार्ड के लिए फोटो जरूरी है, चलो ले लो, लेकिन दुकान पे बैठे अपनी सेल्फी ले रहे हैं, भेज दो। जर्जी साहब आपके पास आया, अच्छा चाय पी लीजिए, आप चाय पिला रहे, फोटो ले ली, भेज दी, देखो जर्जी साहब हमारी दुकान पे आए। इतनी इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा अजाब होगा, अल्लाह के नबी ने कहा सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। जहन्नम का हल्का अजाब तो ये है कि एक चिंगारी पैर के नीचे रख दी जाए तो दिमाग खोलेगा। एक चिंगारी जहन्नम की आग की पैर के नीचे रख दी जाए, यगली मिन हुमा दिमागु, तो उससे दिमाग हांडी की तरह खोलेगा। जैसे पानी उबलता है ऐसे दिमाग उबलेगा। जब हल्का अजाब ये है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब जहन्नम का क्या होगा? और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो तस्वीरें लेता होगा। कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी, कयामत के दिन ये जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन जहन्नम को जबान देगा, आए जहन्नम बोल क्या चाहती है? जहन्नम जवाब देगी, उकिल तो बिसलास, आए अल्लाह मेरे अंदर तीन लोगों को फेंक दे, मेरे अंदर तीन लोगों को डाल दे, मैं तीन लोगों की भूखी हूं। सुनो, जहन्नम सबसे तीन लोगों को मांगेगी, तीन लोगों को। वो तीन लोग कौन होंगे? जहन्नम से अल्लाह पूछेगा, बता कौन से तीन लोग तेरे अंदर डाले? वो कहेगी, हुकूकुल वालिदैन, अपने माँ बाप को रुलाने वाला, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाले को आए अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक, मेरे अंदर फेंक, मुझे इसकी जरूरत है। जहन्नम मांगेगी दुनिया में जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं, दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताते हैं, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे खुश नहीं है, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे तकलीफ उठाते हैं। कयामत के दिन जहन्नम उन बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को मांगेगी जिन जिन्होंने दुनिया में अपने माँ बाप को परेशान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औलाद को जहन्नम के अंदर फेंक देगा, कहेगा ये जहन्नम। अब दूसरा बोल, फिर वो जहन्नम चीख कर कहेगी, शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह बुढ़ापे में जिना करने वाला, नौजवानी में जिना हो जाता वो भी गुनाह है, लेकिन नौजवानी में जिना जो आदमी कर लेता है वो एक, चलो एक जवानी है लेकिन जुर्म है, उसको भी जहन्नम में सजा मिलेगी, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। वो जानियों को, जिनाकारों को अल्लाह ताला जहन्नम में फेंकेगा वो अलग बात है, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। मांगेगी किसको? बुढ़ापे में जिना करने वाले को। इस उम्र में जब ख्वाहिशात कम हो जाती है, आदमी किसी चीज के लायक नहीं रहता है, तब तुमने जिना किया टेबलेट खाकर, गोली खाकर, हैं उल्टी सीधी और जोशावर चीजें खाकर, जैसे वो आसाराम बापू खाता था उस तरीके की टेबलेट और गोली खाकर तुम जिना किए, उस बूढ़े आदमी को जहन्नम मांगेगी। शैखुन ज़ानिन, ऐ अल्लाह उस बूढ़े आदमी को तू जहन्नम के अंदर फेंक जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, उस आदमी को भी तू जहन्नम के अंदर फेंक दे। अल्लाह उस बूढ़े बूढ़ों को पकड़ेगा जो बुढ़ापे में जिना करते थे, उनको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा, बोल तीसरा शख्स कौन है? जहन्नम चीख कर कहेगी, अल मुसब्बिरून, फोटो खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों को अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक। तीसरी
जो चीज जहन्नम के अंदर तीसरे जो लोग जाएंगे वो फोटो खींचने वाले, शादियों में दूल्हा दुल्हन के फोटो खींचने वाले, वीडियो बनाने वाले। कुछ लोग मेहमान के तौर पर मौलाना जर्जीस को अपने घर के अंदर ठहराते हैं। बंगाल बंगाल में चले जाइए आप, वो खुशी समझते जर्जीस साहब हमारे घर में ठहरे। कभी कभी भूल जाते हैं फोटो हटाना। जिस कमरे में ठहराते हैं इत्तेफाक से वहां पर मियां और बीवी की शादी की तस्वीर लगी हुई है उसी बेड के ऊपर। अब जर्जी साहब की नजर पड़ गई, जर्जी साहब ने घर के मालिक से पूछा, साहब ये कौन है? अरे अरे मौलाना साहब। फिर तस्वीर हटाई गई। अब हटाने से क्या फायदा, अब तो जर्जी साहब देख चुके हैं। जर्जी साहब का मतलब जिसको भी आप ठहरा रहे हैं वो देख चुका है। अच्छा किया कि अब हटाया। कम से कम अगर उस कमरे में हम नमाज पढ़ेंगे तो रहमत के फरिश्ते तो आ जाएंगे। जब तक मियां बीवी की तस्वीर रखी हुई थी तब तक तो फरिश्ते ही नहीं आते। यह तस्वीर जायज नहीं है। शादियों की लोग वीडियो बनाते हैं, निकाह की भी वीडियो बन रही है। मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ाने पहुंचे उनकी भी वीडियो बन रही है। मौलाना ये नहीं कह सकते ए, वीडियो मत बनाओ, हराम काम हो रहे हैं शायद। तो अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर डाल, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नम के अंदर डालेगा।